दुर्ग के महात्मा गांधी स्कूल की शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य कराए जाने की शिकायत लेकर आप पार्टी के नेताओं ने संभागायुक्त से की शिकायत। दुर्ग के महात्मा गांधी स्कूल की शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेताओं को मिली, जिसके बाद सभी ने स्कूल पहुँच स्थिति का जायजा लिया और संबंधित स्कूल प्राचार्य से चर्चा की। इस दौरान स्कूल के प्रीमाइसेस में चल रहा निर्माण कार्य संदिग्ध स्थिति में है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन इसका विरोध नहीं कर पा रहा है, जिससे एक बड़ा सवाल यह है कि स्कूल प्रबंधन के विरोध के बावजूद यह निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय दुकानदारों द्वारा स्कूल के ऊपर बिल्डिंग में आने जाने वाले मार्ग को भी अवरुद्ध किया गया है, जिस पर आप पार्टी के नेताओं ने दुर्ग नगर निगम के महापौर परिसर पर स्कूल की शासकीय जमीन को बेचे जाने का गंभीर आरोप भी लगाया, साथ ही इसकी शिकायत संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर की। गौरतलब है कि आप पार्टी के लोकसभा प्रभारी डॉक्टर एस के अग्रवाल, मेहरबान सिंह और संजय सिंह ने दुर्ग नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या दुर्ग नगर निगम के द्वारा इस निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है, और अगर निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है तो इसका अर्थ ये है कि जमीन को विक्रय कर लीज पर दिया जा चुका है, लेकिन जिला प्रशासन स्तर पर या निगम स्तर पर ऐसा कोई निर्णय लिया गया है तो इसकी जानकारी आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। जमीन को लीज पर देने या विक्रय करने के निर्णय का दुर्ग निगम या जिला प्रशासन की तरफ से कोई विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया गया। दुर्ग के सबसे चर्चित मार्केट के बीच स्थित महात्मा गांधी स्कूल में चल रही गतिविधियां बताती हैं कि दुर्ग नगर निगम द्वारा इस कार्य में पारदर्शिता नहीं बरती गई, गुपचुप तरीके से निर्माण कार्य कराए जाने वालों को लाभ प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने इस तरह से जानकारी दी। कल शाम को हमको पता चला कि जो शहर के हरदय स्कूल में महात्मा गांधी स्कूल है, जो कि शहर का पूरा जाना माना प्राचीन स्कूल है, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है। आज हम लोग वहाँ पे मुआयना करने गए, प्रिंसिपल साहब से मिले, मुलाकात की। प्रिंसिपल साहब ने हमें दस्तावेज दिखाया कि अपर कलेक्टर का ऑर्डर के अनुसार से वहाँ की पीछे की ज़मीन को नगर निगम ने बेच दिया है। महात्मा गांधी के नाम पे ये सरकार चल रही है, कांग्रेस लोग महात्मा गांधी जी का नाम लेते हुए थकते नहीं है, लेकिन नियम विरुद्ध जाकर जो प्लेग्राउंड की ज़मीन है जिसको बेचा नहीं जा सकता, वहाँ पे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पे निर्माण कार्य जारी था। हमने वहाँ पर देखा और उसकी शिकायत करने हम कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब के पास आए कि कृपया गांधी जी के धरोहर के नाम पर जो स्कूल, एक कुछ स्कूल बचे हुए दुर्ग शहर के अंदर, उन्हें बचाया जाए। हम लोगों की शिकायतों के आधार पर महात्मा गांधी स्कूल आम आदमी पार्टी के तमाम साथी मौका मुआवना करने पहुंचे थे, और जब हम लोगों ने इस वहाँ पे चल रहे निर्माण कार्यों को देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। शहर में जो जनप्रतिनिधि सफ़ेद पोश पहन के घूम रहे हैं, वो शहर को बेचने का काम कर रहे हैं। जब स्कूल में हम लोग गए और वहाँ पे जो निर्माण कामों को देखा, एक व्यक्ति के द्वारा निर्माण, दूसरे व्यक्ति के द्वारा निर्माण, तीसरे व्यक्ति के निर्माण, चौथे व्यक्ति का निर्माण, ऐसा संभव ही प्रतीत नहीं होता कि वो ऐसा कोई आर्डर हुआ होगा। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और मिला जुला के जो ये बेचने की बात आ रही है उसकी मांग करने हम लोग यहाँ आए हैं कि आज हमारे संभाग आयुक्त के पास, कि इन तथ्यों की पूरी जांच किया जाए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महात्मा गांधी स्कूल जो प्राचीन स्कूल है, वहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहा है, वहाँ पे जो बच्चों के जाने आने के लिए फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में स्कूल चलता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो दुकानें चलती है, तो वो जो जाने का मुख्य स्थान है और सीढ़ी का निर्माण किया गया है, उस सीढ़ी को भी बंद करके वो निर्माण किया जा रहा है। अब हमारे तो रोंगटे इसलिए खड़े हो गए कि कल के डेट में जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो कोई घटना दुर्घटना या आगजनी का शिकार होगा, बच्चे भागेंगे कैसे, निकलेंगे कैसे, सबके जान माल से ये लोग खेल रहे हैं, जिम्मेदार लोग। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए हम आम आदमी के तमाम साथी जो है आज हम लोग पहुँचे हैं, और हमारे दुर्ग शहर के संभाग आयुक्त, जो दुर्ग शहर के न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, उनसे आज हम सब लोगों ने मिल के उनके यहाँ इस संभाग आयुक्त पद पे जो उन्होंने आज यहाँ वो किया है, उसका हमने स्वागत किया है, गुलदस्ता भेंट किया है, और उनसे मांग किया है कि आपके जैसे योग्य और निष्ठ अधिकारी के रहते इस टाइप का नैतिक कृत्य हो रहा है, जिसकी जाँच की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए और काम को तत्काल रोका जाए। में जो सबसे पुराना महात्मा गांधी स्कूल है, उसके अंदर प्लेग्राउंड की ज़मीन को बेच दिया गया है। लगभग 6.5 लाख
6.5 लाख रुपए में 80 स्क्वायर फीट की ज़मीन बेची गई है। लेकिन वो सबसे मुख्य बात ये है कि गुपचुप तरीके से बेची गई, किसी को पता ही नहीं चला। जब हम लोग स्कूल के प्रिंसिपल से मिले तो प्रिंसिपल ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर का आदेश है, जबकि वर्ष 2015 का मंत्रालय के हमारे पास आदेश है कि स्कूलों की ज़मीनों को नहीं बेचना है, निगम और जिला प्रशासन के पास ये सुरक्षित रहेगी। लेकिन उस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए इन ज़मीनों को व्यापारियों को साठ गांठ करके बेच दिया गया। इसकी शिकायत हम लोग आयुक्त महोदय से करने आए थे। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।